बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है जी चिकन कोफ्ते। चिकन ओनली चिकन कोफ्ते सालन बनेगा, और इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं ये हैं कोफ्ते जी, साथ ज़्यादा से प्याज प्याज जाएगा इसमें, दही जाएगा, टमाटर एक्स्ट्रा जाएंगे, धनिया गार्निश के लिए, और साथ इसके जाएगा जी कश्मीरी रेड चिल्ली, एक्स्ट्रा हॉट चिल्ली, हल्दी, और मसालों में जाएगा जी मेथी जाएगी, साथ इसकी कोरिएंडर सीड ब्लैक, यहाँ पे जाएगा जी ब्लैक पेपर, कार्डिमम, लौंग, ज़ीरा, और स्टार हैंड्स, सिनेमन स्टिक और ब्लैक कार्डिमम। तो इन सबको मैंने यहाँ पे आज के सालन के लिए इतना सा बना लिया है जी। एक एक थोड़ी सी चीज़ें साइड डाल ली हैं, क्योंकि मैं घर में ही मसाला बनाती हूँ हमेशा। और तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्याज काट लेती हूँ, टमाटर प्याज इनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, तो फिर साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। तो आज बनेंगे जी चिकन कोफ्ते। इसको मैंने भून लिया, अब इनको मैं ठंडा करूँगी, फिर इनको ग्राइंड करूँगी। और साथ ही मैं बताना भूल गई, मैंने यहाँ पे गार्लिक लिया था और लहसुन, तो इनको मैं पीसने लगी हूँ। प्याज काटती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें पीसना है और इसको इसमें पीस लेना है जी। प्याज को पीस लिया ऑलरेडी, गार्लिक को भी पीस रही हूँ, जिंजर ऑलरेडी का भी। अब इसकी बारी है गार्लिक की, तो साथ ही अब टमाटर में ग्राइंड कर लो जी। तो पकाना शुरू करते हैं। मैं सारी चीज़ें बाहर किचन में ले आई हूँ, तो ये सबसे पहले मैं कोफ्तों को थोड़ा सा हल्का सा भून लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल स्प्रे करती हूँ, ऑयल स्प्रे कर लेती हूँ। और इसमें मैं सारे कोफ्ते डालती हूँ। पहले थोड़ा सा स्प्रे कर लें, हल्का सा उनको भूनना है जी। आज का हमारा मौसम यहाँ का बारिश, हल्की की बारिश लगी हुई है, बड़ा अच्छा मौसम है, ठंड नहीं है लेकिन फिर भी। और मैं यहाँ पे बाहर दूसरे किचन में आऊँ, मैं हमेशा खाना बाहर बनाती हूँ। तो थोड़ा सा कलर चेंज करना है, थोड़ा सा ये भुन जाए। तो ये हो जाएंगे, फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। मेरे चिकन कोफ्ते हो चुके हैं जिस टाइम मुझे चाहिए थे, सबको थोड़ा सा मैंने गोल्डन कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से ही मुझे। और अब मैं पकाना शुरू करती हूँ इनको। यहाँ पे मैंने ये ऑयल डाल दिया है, ज़रा गर्म हो जाए, फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। मेरा सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, और साथ ही मैं पहले अपना गर्म मसाला अच्छे से भून लेती हूँ। तो मैं इसको भी मैंने यहाँ पे मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया है, और मसाला ये यूज़ करूँ गर्म हो चुका है। तो इसमें प्याज डालते हैं, प्याज को मैं उस वक्त तक भूनती रहूँगी जब तक ये गोल्डन ना हो जाए, या रेड कलर या ब्राउन कलर हो जाए, प्याज अपना कलर जिसका चाहिए सालन की तरह। तो मैं उसको इसलिए पकाती रहूँगी। यहाँ मैं टमाटरों में हल्दी डाल देती हूँ, तो चम्मच हल्दी डालेगी, ठीक है। इसमें टमाटर भी एक्स्ट्रा जाएंगे और योगर्ट जाएगा, और
एंड डेढ़, क्योंकि हम स्पाइसी कम खाते हैं तो इसलिए ज़रा कम। और ये तो देखते हैं हमारा प्याज किस हल्का हल्का सा कलर छोड़ा है उसने, देखती हूँ और बदला हुआ कलर। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ जी अदरक और गार्लिक, कुछ अदरक डाल थोड़ी सी, मैं हल्दी इसमें भी डाल देती हूँ। थोड़ी सी चुटकी हल्दी इसमें, थोड़ी सी केचा प्याज का रंग ज़रा बदल जाए, थोड़ी सी इसको मैं सब भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं, प्याज से कच्चापन खत्म हो चुका है। मैंने गार्लिक और अदरक भी डाल दिया है तो साथ अब जाएगा इसके लिए टमाटर डाल देती हूँ। मैंने ऑलरेडी टमाटर में हल्दी और रेड में तो मिर्च डाल दिए हैं, अभी अच्छी तरह भुन जाएगा सही। जब ये अपना थोड़ा सा घी छोड़ेगा तो फिर इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे, तो आप देखते रहे इसको। मैं इसको ढाँप रख देती हूँ, थोड़ा सा मैं प्याज ये थोड़ा सा डाल देती हूँ, धनिया, ये धनिया के डंडल हैं पीछे वाले, इनको स्मेल आती है, ये डाल देती हूँ जी। और इसको मैं तकरीबन अगले 10-15 मिनट के लिए हल्की आँच पे रख देती हूँ, कवर कर देती हूँ अब तक मेरा मसाला ना बन जाए, मैं इसको खोलना नहीं है। अभी रह गया धनिया, रह गया ग्रीन पेपर, रह गया योगर्ट, रह गया ये डालना है। और अभी बिल्कुल हल्की आँच पे पकता रहेगा 15-20 मिनट के लिए, तो मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ जी। ये देखते हैं माशाल्लाह से बारिश बड़े ज़ोरों पर आई हुई है और और चेक करते हैं हमारा 5 मिनट के बाद मैं देख लेंगे जी। अभी इससे गला नहीं है, पका नहीं है जी, इससे पकड़ अपना कर पाऊँगी। मैं थोड़ा सा इसमें मसाला डालने लगी हूँ, जैसे खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मसाला जो मैंने पीसा कर ली, थोड़ा सा बिग मजीद इसको 10-15 मिनट और पकाना है, इसका पूरा कच्चा पान खत्म करना है। यहाँ पे कुछ गार्लिक साबुत रह गए हैं, मैंने मैश करना है। ये तो यहाँ मैं पूरे 15 मिनट के बाद बाहर आई हूँ जी, मैं इसको चेक करती हूँ कैसा है, ये देखें जी। काफ़ी अच्छा हो चुका है जी, आप देख सकते हैं हम घी काफ़ी बार आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा स्टोव को हाई करती हूँ और अच्छी तरह भूनती हूँ उसको, और साथ ही इसके लिए योगर्ट डालने लगी हूँ। पूरा एक बॉल डाला है जी योगर्ट का, स्टोव को मैं हाई कर देती हूँ और आप कैसा मसाला माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। मैंने इसमें मसाला आधा डाला हुआ है, आधा बाद में डालूंगी, और अब मैं इसको मज़ीद 10-15 मिनट फिर पकाऊंगी, जब तक मेरा ये योगर्ट भी हिला जाए, मिक्स हो जाए
और मसाला अच्छी तरह घी वापस आ जाए, उधर आ जाए। अभी तक बस इसमें नमक नहीं डाला मैंने, तो यहाँ पर साथ ये देखें कि बन रहा है, अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैं यहाँ पे दो हरी मिर्चें साथ के डाल देती हूँ, एक पीस नीचे गिर गया लेकिन ये मैंने तीन पीस में डाल दिए हैं। अब मैं इसको मज़ीद आधा घंटा 15 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊँगी। अभी मैं ढाक कर देती हूँ, थोड़ा सा साइड से खोल देती हूँ, और यहाँ पे मेरे कोफ्ते हैं बीच में गर्म नहीं है, फिर मिलती दिखाती हूँ। यहाँ पे पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, आप इसको देखते हैं जी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह हुआ है। अब मैं इसमें चिकन कोफ्ते डाल देती हूँ, देखें जी काफ़ी बहुत अच्छी तरह मसाला बन चुका है। और अब फिर चिकन कोफ्ते डाल के खाते थे, कोफ्ते मैंने सारे डाल दिए इसमें। अब ये मज़ीद पकते रहेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक मेरे कोफ्ते भी से अच्छी तरह पकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी और पानी डाल के इसमें रखूँगी। पानी इसमें डाल देती हूँ, मैंने पानी डाल दिया इसमें। अब मेरे कोफ्ते टूटेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनको थोड़ा सा फ्राई किया हुआ है। तो अब मैं इनको रख देती हूँ मज़ीद 15 मिनट के लिए, इसको डाल देती हूँ। बाकी जो बर्तन मेरे सारा गोल इनको वॉश कर देती हूँ, तो उसको मज़ीद 15 मिनट के बाद देखेंगे जी। 15 मिनट के बाद दोबारा मैं देख रही हूँ इसको जी, इस पोजिशन में है, देखें किस तरह है। कोई कोफ्ता टूटा नहीं है लेकिन कोई मज़ीद पकेगा, घी काफ़ी ऊपर आ चुका है। और मैं यहाँ पे एक कोफ्ते को देख लेती हूँ कि किस कच्चा है या इस तरह कोफ्ता ही खाएँ। थोड़ी देर और उसको बंद करती हूँ जी, ढाम के रख देती हूँ जी। तो पूरे 5 मिनट के बाद दोबारा इसको देखती हूँ जी किस पोजीशन में लग रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इसमें थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया डाल रही हूँ और एक साबुत ग्रीन पेपर डाल रही हूँ और थोड़ा सा मसाला जीर डाल रही हूँ। ज़्यादा मसाला नहीं डाल रही लेकिन मैं थोड़ा सा ही खुशबू के लिए बस। और ये है जी इस तरह, ये है जी आज की मेरे सालन की पोजीशन, इस तरह लग रहा है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। तो मैं साथ ही अब इसके एक और चीज़ बनाने लगी हूँ जी, दही बल्ले बनाऊँगी तो वो आपको दिखाती हूँ, फिर इकट्ठा ही मैं आपको दिखा दूँगी कि किस पोजीशन में ये बना था, डिश आउट करके दिखाऊँगी। तो आप ज़रूर देखिएगा। तो मैं इसको बंद करती हूँ, अभी ये बन चुका है जी। आज की मेरी छोटी सी रेसिपी कोफ्ते वाली है। ये कोफ्ते मैंने पहले बना के फ्रीज़ किए हुए थे, आज मेरी ज़रूरत थी, मैंने कहा चलो बना लूँ और दिखा भी दूँ। और माशाल्लाह अच्छे बने हुए हैं, गले भी हैं। ये चिकन थाई का है और चिकन ब्रेस्ट मिक्स किया हुआ था कोफ्ते। और ये थी आज की मेरी छोटी सी रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। डिश आउट करके पहले दिखाऊंगी आपको।